बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट चैप्टर से है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर कांस्टेंट कोएफिशिएंट हैं, वन है इधर, ए स्क्वायर है, और ये हमें सॉल्व करना है। सॉल्व डी टू प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू साइन ए एक्स, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू साइन ए एक्स। अगर हम वाई के अंदर मल्टीप्लाई कर लें बाई इस ऑपरेटर को ओपन करके, बाई पर ये ऑपरेट होगा तो ये मिल जाएगा डी टू वाई, जिसको हम डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस ए स्क्वायर वाई। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम दे रखी हो, यानी डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू साइन ए एक्स, तो सबसे पहले आप डी ओवर डी एक्स को कैपिटल डी लिख लेंगे, तो डी टू ओवर डी एक्स स्क्वायर को डी स्क्वायर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू साइन ए एक्स। फिर उसके बाद इन दोनों में से वाई वो हम बाहर ले लेंगे राइट हैंड साइड की तरफ, लेफ्ट में नहीं ले सकते क्योंकि ये ऑपरेटर है और ये ऑपरेट हो रहा वाई पर साइन ए एक्स। अब हमें जो इक्वेशन मिली है लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, इसको सॉल्व करने के लिए दो पार्ट में सॉल्व करते हैं। एक तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो सबसे पहले इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम फाइंड करेंगे, तो इसके लिए इट्स एक्सिलरी इक्वेशन, क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो एक्सिलरी इक्वेशन से फाइंड किया जाता है, तो लिखते हैं हम लोग इट्स एक्सिलरी इक्वेशन। तो इसकी एक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए जो वाई का कोएफिशिएंट जो डी का फंक्शन होता है, वहाँ पर डी की जगह पर आप एम पुट कर देंगे, तो एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से एम की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम ए स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले आएंगे, तो माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, एम की वैल्यू फाइंड करेंगे, स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा राइट हैंड साइड में, इसकी दो वैल्यू होती हैं प्लस और माइनस, तो एम की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस, और स्क्वायर रूट माइनस वन की वैल्यू एटा आई होती है, और ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा ए की फार्म में। इस तरीके एम की दो वैल्यू जो कि कंजुगेट की फार्म में है, और ऐसा केस हो तो हम लोग जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस तरीके से लिखा जाता है, सी वन कॉस जो भी आई को कोएफिशिएंट होता है वो लिखते हैं एक्स प्लस का सी टू साइन ए एक्स। इसको दूसरे फार्म में और लिखा जाता है, हालांकि हम यही यूज़ करते हैं, सी वन कॉस ए एक्स लिखने के बाद प्लस का सी टू, ऐसे भी आपको आंसर दे सकते हैं, लेकिन हम इसी का यूज़ करेंगे। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात कर लेते हैं, इसको फाइंड करने के लिए दूसरा, एक तो सेम बताया, दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल जो हम यहाँ पर सॉल्व करके आए थे, वाई की वैल्यू वाई का जो कोएफिशिएंट डी का फंक्शन है, यानी डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसको लिखेंगे, और ये ऑपरेटर ऑपरेट हो जाएगा जो राइट हैंड साइड में है, यानी साइन ए एक्स का। तो इसके लिए डायरेक्ट आप फार्मूला याद कर लीजिए, इसकी वैल्यू होती है जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, माइनस का एक्स अपान टू ए, और साइन जिस तरीके से इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स होता है वैसे आप याद करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हालांकि अगर ये कैसे आया इतना, तो इसके अगर इसके लिए आप डिमांड कर सकते हैं पूछने के लिए कैसे आया है, तो इसको अलग से सॉल्व कर देंगे। इस क्वेश्चन के लिए वो आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, इसका आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख देंगे, जो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ चुकी है। अब हम इसका जनरल सोल्यूशन लिखेंगे, द जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इज, तो उसके लिए हम जैसे कि शुरू में बताया कि y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो फाइंड किया था, और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों को ऐड कर देंगे आ जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोगों ने फाइंड किया था, उसे लिखा था सी वन कॉस ए एक्स प्लस का सी टू साइन ए एक्स। अगर आपका आंसर ना मिले इस तरीके से, तो आप दूसरे वाली जो वैल्यू लिखी थी वहाँ पर पहले ही, तो उसको आप लिख सकते हैं, प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू जो कि माइनस का एक्स अपान टू ए है, उसका यूज़ करेंगे साइन ए एक्स, और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस माइनस में हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे सी वन कॉस ए एक्स प्लस का सी टू साइन ए एक्स माइनस एक्स अपान टू ए साइन ए एक्स। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग अस वाखर दावाना अलहमदुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।